मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि सुनील के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं था एक्चुअली. आई लव हिम और मुझे बेस्ट लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है. मैं खुद सुनील को जब मैं कॉमेडी सर्कस करता था तब मैं उनको बोलता था कि एक सुनील करके हसबली में मुझे मिले थे, उनको लेके आते हैं. एक मैं उनका वहां पे शो देखा तो मुझे अच्छे लगते हैं. बेस्ट लोगों के साथ काम करते हो आप, बहुत कुछ सीखते हो. तो सुनील के साथ मेरा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं. चीजें ऐसी कुछ हो गई, मुझे मैं इतना इरिटेट हो गया था कि शो मैं थोड़ा खुल के बता सकता हूँ. एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही पहले दिन से ही मेरा मूड बहुत खराब था. ऑस्ट्रेलिया निकलने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती है जब आप 50 कामों में हाथ डालते हो. जैसे हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे तो फिल्म के दौरान हमारे एक आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई. मान साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दैट डे. और हमेशा मुझे पता नहीं कहाँ से मैंने मान साहब को एक दिन पहले वैसे फोन ट्राई कर रहा था कि हम चंडीगढ़ में आए हुए हैं, कहीं आप भी चंडीगढ़ में तो मिलते हैं. तो उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई और हमारे एक आर्टिस्ट की डेथ हो गई. मेरे साथ रात को सीन कर रहे हैं एक, और एक एक सीन था उनके साथ कि मैं उनके रजाई उठा के लेके जाता हूँ और छत पे जाता हूँ. तो रजाई उठा के लेके जाता हूँ, वहां पे कट पैकअप हो गया. अगले दिन मुझे छत पे करने वाला सीन करना था तो उस अगले दिन उनकी डेथ हो गई. सो मुझे मैं इतना नर्वस हो गया, इतना मैं नेगेटिव हो गया उस समय. तो मान साहब के आने से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली. उसके बाद मैंने इनको कहा कि हमारा शूट जो है काफी डिले हो रहा है बिकॉज फॉग वॉग बहुत पड़ रही थी पंजाब में. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें कि आदमी का दिमाग क्यों खराब होता है. तो ऑस्ट्रेलिया शो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, मैंने उनको बोला. तो आपका जितना भी खर्चा हुआ है हम आपको उससे थोड़ा ज्यादा पैसे देंगे ताकि आपको भी बुरा ना लगे. तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब डिजिटल टिकटें बिक चुकी हैं, हम लोग शो कैंसिल नहीं कर सकते. मुझे नुकसान फायदा नहीं तब समझ में आता, हम लोग बिजनेसमैन. हम लोग चले गए. जब शो शुरू होने वाला था एक्चुअली स्टेडियम भरा पड़ा है, कोई दो आर्टिस्ट आपस में, एक्चुअली मेरे आदत है मेरे को क्योंकि मेरे नाम से शो है ना कि द कपिल शर्मा शो, तो कोई भी छोटी छोटी चीज होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज होती है, सब मेरे पास आती है. हालांकि आनी चाहिए नहीं, लोगों को अपने लेवल पे टैकल करना चाहिए. तो एक लड़की आई मेरे पास रोती रोती कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है किसी दूसरे आर्टिस्ट, और वो लड़का है जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसको मैंने डांटा था, उसको मैंने गालियां दी थी क्योंकि हम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हैं, कभी आई नहीं न्यूज क्योंकि मशहूर दोनों नहीं थे. तो उसने भी मेरे को 5-6 दी, मामला खत्म हो गया. उसने उस लड़की के साथ परफॉर्म नहीं किया. और क्योंकि शो शुरू करने से पहले 5 मिनट पहले की ये बात है, 1.5 घंटा मुझे परफॉर्म करना था वहां पे, और उसके बाद उनका 10-10 मिनट का एक्ट था. मैं इस वजह से उनको डांटा कि अगर मैं 1.5 घंटा परफॉर्म करना है मुझे कूल रहने दो, तुम लोग मुझे क्यों ऐसे करते हो. मैं हूं थोड़ा इंपल्सिव क्योंकि मुझे आदत है. ये सब हुआ, शो बड़े अच्छे गए. उसके बाद चंदन जो मेरा दोस्त है वो होटल से चेकआउट कर गया, 5 दिन आया ही नहीं. हम लोग, मेरे को भी नहीं मिला. मुझे वरी भी था कि चलो मुझे मिले मैं सॉरी बोलूं, बिकॉज मेरी गलती ये है कि मैं, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है तो मैंने सेकंड साइड ऑफ स्टोरी सुनी नहीं, तो मैंने उसको गाली वालियां दे दी जो भी. फिर वो मुझे मिला ही नहीं. फिर जब हम चंडीगढ़ ऑस्ट्रेलिया से वापस आने लगे तब तक नहीं मुझे मिला. 1 घंटा पहले वो आदमी मुझे नजर आया, फिर मुझे और गुस्सा आया, फिर मैंने उसको 5 गालियां और दी. उसने भी मुझे दी, उसकी आती नहीं है टीवी में. तो सुनील भी था, वो वरिड भी था मेरे लिए कि ये ऐसे क्यों. पर एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, मैं और सुनील, और 5 साल से साथ में काम कर रहे हैं. अगर मैं एक्चुअली सुनील की जगह होता मुझे खाली इतनी मुझे वो शिकायत नहीं उससे. वो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत मुझे मेरा फेवरेट है शो में, शायद सबसे ज्यादा प्यार मेरा उसी के साथ है. पर अगर मेरी जगह सुनील होता तो मैं एक बार जाके जरूर पूछता कि तुझे कभी 5 सालों में ऐसे देखा नहीं मैंने, तू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है. तो शायद कुछ भी नहीं होता. पर अभी भी कुछ नहीं हुआ, आई लव हिम. और कहीं भी होगा सुनेगा तो जरूर सुनील इंटरव्यू, आई लव हिम. अच्छा मैं वैसे मेरा अभी मेरे से सवाल किया नहीं गया, वैसे ये भी था जरा जी भी कॉम्प्लीमेंट्री लेके गया था मैं इसको. मैं उसी जगह पे बैठा होता, हमारी टीम के मेंबर पीछे बैठे हुए, बहुत लोग वहां पे थे. प्रेशर बहुत था मेरे दिमाग में एक्चुअली जेन्युइनली. और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ. और भी सवाल होंगे, आपने शाहरुख भाई को सेट से लौटाया है ना, बड़ी खबरें आती है. मैं बताता हूँ आपको, जो आप कुछ भी लिख देते ना कई लोग. अच्छा एक आदमी कोई लिखता है, मुझे एक ये बड़ी प्रॉब्लम है मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कुछ बोला शायद. एक आदमी अगर कोई ऐसी न्यूज लिखता था ना सूत्रों के अनुसार, ये सूत्र कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, सूत्रों के अनुसार, और वो आगे दूसरे वाले भी वहां से उठाना शुरू कर देते हैं. मैंने सर एक्चुअली जेन्युइनली मैं जब लैंड किया ना, आया मैंने एपिसोड शूट किया, वापस फिर यहां से राजस्थान की फ्लाइट ली जयपुर, जयपुर से 6 घंटे बाय रोड. मैं सोता नहीं था सारी सारी रात, इतने प्रेशर में काम कर रहा था. मैंने सारी न्यूज जब मेरी फिल्म का वाइंड अप हो गया मैंने 2 महीने बाद देखनी शुरू की.
कम से कम 1000 न्यूज होंगी कि कोई दिखा रहा है ये है कपिल के दो दुश्मन शनिदेव और जैक डेनियल की बोतल, कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। यार दुनिया में सब इतने डबल स्टैंडर्ड लोग हैं कि अगर मेरा मेरा कोई पीआर नहीं, मैं आपको सच्ची में बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी कोई पीआर नहीं रखा, मुझे ये प्रोसेस ही नहीं पता था। ये पहली बार जब फिल्म की ना मैंने किस किस को प्यार करूं, तब इन्होंने कहा कि ऐसे पीआर टीम आएगी, तो मैंने कहा अब्बास भाई वो मतलब क्या हिसाब किताब होता है, कहते वो आपकी तरफ से ऐसे फिक्स करेंगे, मीडिया के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी। मैं कहा अच्छा, मैं खुद ही करता रहता हूँ, मुझे ना कभी कुछ सोशल नेटवर्किंग चलानी आती है, एक ट्विटर आता है उसके भी पंगे पड़े रहते हैं, तो मैं हूँ थोड़ा इम्पल्सिव, पर मैं जैसा हूँ अभी नहीं चेंज हो सकता ना मैं तो, पर हाँ दिल का मैं बड़ा साफ। मेरी बात बीच में थोड़ी रह गई, मैं बात कर रहा था कि हमारी टीम के मेंबर भी वहां पे कुछ थे पीछे बैठे हुए, मैं भी था उधर, वहां पे बहुत लोग थे। भरत भाई आप होते तो शायद झगड़ा नहीं होता, कल भाई सोते रह गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो भी हुआ भाई बहनों में, आप भी सब लोग फैमिली वाले लोग हैं, आपस में बहुत लोगों की लड़ाई होती होगी, दोस्तों की, माँ बहन, बेटा भाई सबकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो जूता मारना, ये बातें, ये इस बारे में किसी टीम ने, मुझे बड़ा दुख लगा, इतनी अच्छी टीम थी, इतनी फैमिली, किसी ने आके ये नहीं बोला कि ये गलत बात है, ये र्यूमर है, ऐसा कुछ हुआ ही एक्चुअली। ये इन चीजों को ज्यादा दुख लगता है कि आप बात किसी को रातों रात विलेन बना देते हो। एक खबर मैंने ये भी पढ़ी कि कपिल के आने से पहले टीम ने खाना खा लिया था, मैं क्या दूसरी फ्लाइट से कूदा था, उसी फ्लाइट में तो था मैं। तो ये सब मनगढ़ंत स्टोरियां जब बनाते हैं लोग, फिर बड़ा दुख लगता है, फिर लगता है कि यार ठीक है, पर अब तो क्या मुझे तो अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैं कोई वैसे कभी बात होती है तो कि जूता जूते कपिल इतने महंगे पहनता है तो नहीं, उसमें पहने थे, उसमें जुराबे पहनी थी जो फ्लाइट वाले देते हैं। सॉरी, हाँ अच्छी अच्छी बातें कर, मेरे बारे में दूसरी फिल्म दूंगा तुझे। किसी टीम मेंबर ने ऑन स्टेज टीम से, कपिल का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि किसी ऑन स्टेज टीम मेंबर ने ये आके प्रेस के सामने नहीं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और मैं सच में बोलूं, मैं एक्चुअली लिटरली डिप्रेशन में चला गया था तब, तो मैं एक्चुअली सच बताता हूं अपने बारे में, ठीक है हम लोग पीपू लेते हैं, पर मैंने फिल्म जब के लिए जब फिट होना था, मैंने बिल्कुल ही पीना छोड़ दिया था। और इवन सोनी की सक्सेस पार्टी थी, सोनी टीवी की, हमारे शो की एक्चुअली, तो हमारे जो सीनियर्स थे, जो भी हमारे बॉस, सबने मुझे कहा कि ले लो, मैं कहा नहीं मुझे वेट लूज करना है, 10-12 किलो वेट लूज किया, और सडनली 10-12 किलो चर्बी आप निकाल देते ना, उसके बाद दो ड्रिंक मार दो, वो चार जितना नशा कर दिया, तो काम उसने खराब किया। दूसरी एक और बात, मैं एक्चुअली लिटरली डिप्रेशन में चला गया था उस इंसिडेंट के बाद। मैंने जब ये सारी न्यूज देखी कि क्या क्या मेरे बारे में बोला गया है, कहा गया है, किन लोगों ने कहा है मुझे नहीं पता, पर क्यों कहा है न्यूज। आज मुझे एक चीज और का भी दुख है, नेगेटिविटी एक्चुअली बिकती भी है, जो लोग कहिए सच्चाई भी है, पर मैं लिटरली मुझे एंग्जाइटी अटैक आने लगे थे। मुझे प्यार है अपनी टीम से, मैं मिस करता हूं उन चेहरों को, मुझे जब नहीं दिखते सामने तो मुझे आदत है कि मैं एक किसी चीज से जुड़ाव हो जाता है, मैं अलग नहीं हो पाता हूं, अपने आप को डिटैच नहीं कर पाता हूं। उसके बाद फिर मेरा ऐसा हुआ जैसे लोगों ने बनाया कि शाहरुख सर को सेट से लुटाया। छोटी छोटी बातें मैं खुद ही बोलना चाहता हूं इससे पहले कि आप पूछें। शाहरुख भाई 7 बजे सेट पे आने वाले थे, मैं दोपहर को 2 बजे पहुंचा था, आप कंफर्म भी कर सकते हैं, 7 बजे आने वाले थे और बगल वाले सेट पे शूट कर रहे थे। 8 बजे मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेज पे नहीं जा पाऊंगा, मैं सारे अपने बारे में खबरें पढ़ चुका था। एक शूट कैंसिल, 2 शूट कैंसिल, 3, 4, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग खबरें फैला देते हैं, जैसे अनिल कपूर सर आए थे तो उनको लगा कि नहीं यार तू नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे दोबारा, ठीक है, सपोर्ट भी बहुत किया। शाहरुख भाई दोबारा मुझे मिलने आए, ऐसे मुझे मेरे बारे में बोल दिया गया कि उसको नाराज लौटाया, वो दोबारा मुझे मिलने आए अगले दिन, जब नेक्स्ट डे मैं उसके बाद नेक्स्ट शूट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि तू रेस्ट लेनी है रेस्ट ले, तुम अपना थोड़ा माइंड सेट कर। मैंने सोचा कि मुझे रेस्ट चाहिए शायद, मैंने ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेने के बाद मैं बैंगलोर चला गया, बैंगलोर जाके मैंने अपना ट्रीटमेंट करना शुरू किया कि मैं वो करते हैं पहली बार, मैंने पहली बार किया। उसके बाद वापस आया, उसके बाद फिर मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, बहुत पीना शुरू कर दिया मैंने। क्यों कर दिया मुझे नहीं पता, मैं मुझे हैंडल नहीं करनी आती कई चीजें, बिकॉज हर आदमी में हर कुछ नहीं होता। तो मैंने अपने आप को इतना हर्ट किया कि अभी 3 महीने मुझे और रिकवरी में जाएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपसेट भी था, मेरा दिल भी नहीं करता था एक्चुअली, मेरा दिल नहीं करता था कि मैं आके बात करूं या ट्विटर पे किसी को रिप्लाई कर दूं। फिर एक बार छोटी छोटी चीजें होती हैं जब बदल दी जाती हैं, बड़ा दुख लगता है। किसी ने मुझे पूछा कि आपने सुनील के साथ लड़ाई की थी, मैंने कहा हाँ गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं अपनी
मैं डांट रहा हूं अगर किसी को, अपने दोस्त को ही, तो सुनील को लगा कि इसको नहीं ऐसा बोलना चाहिए फ्लाइट में हम लोग, वो भी शायद पूछ लेता तो मैं शायद उसके साथ शेयर कर लेता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। उसने भी चिल्ला दिया मेरे ऊपर, ठीक है वो कंसर्न था मेरे लिए, पर मैं इतना अपसेट हो गया था कि मुझे लगता था कि मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। सो अभी भी रिकवरी में मुझे 2-3 महीने लगेंगे, पर हाँ फाइनली ये मेरी फिल्म जब बन गई, कंप्लीट हो गई, तो ये लोग रोज मुझे आते थे मिलने मेरे ऑफिस में, मैंने अपने आप को लॉक किया हुआ था, कहते उठ तूने मर्डर नहीं किया, उठ बाहर चलते हैं। मुझे ऐसे लगने लगा सारी दुनिया मुझसे नफरत करने लगी है, पता नहीं क्या हो गया है। तो मुझे तो हमेशा आदत है कि सबसे मिलना ऐसे ही है, पर हाँ व्हाटएवर, ये कपिल के दिल की इनोसेंस है, और कोई दिल का हाल इतना बयान कर दिया कि शायद कोई भी बहुत मैनिपुलेटिव आदमी तो ऐसा नहीं बोल सकता आई थिंक, जैसे दिल का हाल वो बोल दिया मैं ये पी लिया वो पी लिया, नहीं तो आदमी बोलता नहीं नो नो तो मेरी पीआर क्यों नहीं संभालता